नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा धूमधाम से मनाई गई महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती। कन्नौज नजदापुर स्थित एक निज आवास पर रविवार को भारतीय हीरोज प्रजापति ऑर्गेनाइजेशन द्वारा महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम महाराजा दक्ष के चित्र पर संगठन के पदाधिकारियों ने पुष्प अर्पित किया। इसके उपरांत कार्यक्रम में मौजूद संगठन के पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में औरैया जनपद से जिला पंचायत सदस्य वासुदेव सिंह प्रजापति उपस्थित रहे। संगठन के प्रदेश महासचिव सतीश प्रजापति ने कार्यक्रम का संचालन किया। इसके उपरांत जिले के पत्रकारों को शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए वासुदेव सिंह प्रजापति ने कहा कि हम सभी को महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती के अवसर पर ये संकल्प लेना चाहिए कि किस समाज की एकता और अखंडता के साथ साथ समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार कर समाज के युवाओं को शिक्षित करेंगे। अवसर पर संगठन के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरठ सर्किट हाउस पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीधा विपक्ष पर निशाना बोले, आने वाले सन 2022 में भाजपा बनाएगी फिर से सरकार। उन्होंने कहा कि पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा में भी इस तरह बेहतर प्रदर्शन कर भाजपा की सरकार होगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस वे बनने से विकास की राह बन रही है। कहा कि मायावती और अखिलेश का सन 2022 का सपना मुंगेरी लीला का सपना होगा, इनके ख्वाब को चकनाचूर होगा, जनता इनके कारनामों को भूल ही नहीं है। इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश राहुल और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये ट्विटर वाले नेता हैं, सिर्फ ट्विटर पर ही राजनीति करते हैं। कोरोना काल में सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता ये सड़क पर आम जनता की मदद के लिए नजर आए, विपक्षी दल का कोई भी नेता सड़क पर नजर नहीं आया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने मेरठ के महान पुरुषों के नाम पर सड़क का निर्माण करने की बात कही, जिसमें मुख्य रूप से सर छोटू राम और धन सिंह कोतवाल नाम लिया गया। मेरठ से पत्रकार प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।